अरे इधर चल। अरे कलुआ क्या कर रहा है यहाँ? अबे शक्ल तो तेरा कोई नहीं सर। नो तू पबजी खेला, तू कौन सा सफेदी का चमकार है बे? ये सब छोड़, वैसे तू क्या कर रहा है यहाँ? अरे हम सोच रहे हैं ना आगे क्या होगा, हमें नौकरी भी नहीं हो रहा है यार। हम क्या बोलते हैं, चल ना यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं। गांजा पिया का रे? अरे नहीं रे, अभी तो कपचे में फूक रहा था। अच्छा तुमको मजाक लग रहा है? अरे मजाक वाला बात बोले तो मजाक ही लगेगा। अरे मजाक नहीं कर रहे हैं, हम लोग तुरंत ही फेमस हो जाएंगे। अब इतना आसान है फेमस होना? सच में भाई, 2 महीना में हम लोग चमक जाएंगे, पैसा छापने लगेंगे भाई, हम लोग इतना अमीर बन जाएंगे ना, गाड़ी बंगला सब होगा अपने पास। जानता है भाई, हम लोग सबसे पहले लंबा वाला गाड़ी लेंगे। अरे वो कोर्की छोड़ी ना, अगर घर के सामने लगाएंगे। ओह नो, वो तो जलिए जाए तो यार पकड़ा जाएगी छोड़ी। तू ना अपना गाड़ी वो गाड़ी से हटा के लगाना, नहीं तो बच्चा लोग स्क्रैच मार देगा। एकदम सही बोली, यहाँ के बच्चों ने एकदम हरामी है। हम लोग ना सेलिब्रिटी बन जाएंगे, जहाँ जाएंगे लोग बोलेंगे सर ऑटोग्राफ सर ऑटोग्राफ, फैनों की भीड़ लग जाएगी हमारे आगे पीछे। तो हम ना बॉडी गार्ड रखेंगे, फिल्म नहीं रहता हीरो के साथ कलाका फोटो वाला एकदम उसी तरह। अरे ये सब के लिए कुछ पैसा चाहिए। वैसे कितना पैसा चाहिए? बस 1 लाख। पैसा का बात सुन के सदमा में चल गया। अबे बालू बल्ली 3 बनेबी का? मजाक कर, 50 तुम देना 50 हम देंगे। वैसे तू सच बता इतना पैसा कर भी का? सबसे पहले हम लोग एगो कैमरा लेंगे। कौन? अरे DSLR जिसे ब्लर होता है। फिर एक लैपटॉप लेंगे। कहो तो कर सक, वीडियो बा एडिट ना कर भी। आता है तुमको? सीख लेंगे। बाकी के कुछ कुछ ले लेंगे। ठीक है देखते हैं। ठीक है मिलते हैं। अरे लंपट बेखुदा, निहायत कुत्ता कमीना, सबेरे हागे मुते नहीं जाता रे पगला। आपको कैसे पता चला पापा? ससुरा 20 साल के तजुर्बा है। नाइस। क्या बात है बच्चों, आज बड़ा जल्दी आ गया तू। पापा मैं क्या बोल रहा था? पापा मुझे ना आपसे कुछ बात करनी थी। तो बोल ना, व्हाट्सएप करेगा क्या? पापा मैं ना अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता हूँ। अभी तुम मेरे पैर पे खड़ा है क्या? पापा मेरा मतलब है कि मैं अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। ओ तो ऐसा बोल ना। कहाँ बैठेगा, नाई की दुकान पे कि चाट की दुकान पे? पापा मैं ना कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, ये चाट छुरे वगैरह मेरे बस की नहीं है। अच्छा ठीक है, तो फिर अपने ही खटाल पर काम कर। पापा आप मुझे पैसे दे दो, मैं खुद का कुछ कर लूंगा। ये लो तेरे भी मुराद पूरी कर देता हूँ। सिर्फ 100 रुपये? Oh, no! पापा मुझे तो 50 रुपये चाहिए थे ना। इधर आ। हाँ पापा। इतने पैसे तो तेरे बाप ने भी एक साथ नहीं देखे। इतने पैसे का क्या करेगा तू? पापा मैं ना YouTube का स्टार बनना चाहता हूँ। अच्छा अमित और आशीष जैसा? आप जानते हैं उन्हें? मैं ही क्या, सारा देश जानता है उन्हें। चिंता मत कीजिए पापा, कुछ दिन बाद आपके बेटे को भी सारा देश। बड़ा सोच रखना बुरी बात नहीं है बेटा, लेकिन औकात से बाहर सोचना पाप है पाप। पापा ये हाथ मुझे भगवान ने दिए हैं, वो हमेशा मुझे ये संकेत देते हैं कि तुम्हें इन हाथों से कुछ बड़ा करना है, और आप इन हाथों को खटालों में घुमाना चाहते हैं। ये हाथ खटालों में घूमने के लिए नहीं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी का हाथ में हाथ मिला के चलने के लिए है। तुमने सही बोला बेटा, तुम्हारे ये हाथ भगवान ने बड़े कामों के लिए दिए हैं। ये लो बेटा।
मोरिस सारी भैंसे काली हो गई, साबुन पकड़ और उन्हें गोरा कर दिया। पापा ये क्या बोल रहे हैं, भैंस भी कभी गोरी होती है क्या? ढूंढने पर तो भगवान भी मिलते हैं, तो क्या रगड़ने से भैंसिया गोरी नहीं हो सकती? हमको सिखाएगा, अभी जन्म लिया है, चल भागने लायक। शाम तक भैंसिया गोरी नहीं हुई तो देख लेना। हेलो। हाँ भाई, पैसा जुगाड़ हो गया? अरे भाई पापा बोले ना, का यूट्यूब पे छोटा मोटा वीडियो बना, बिजनेस टाइकून बनो। क्या बोले पापा? अरे भाई पापा बोले ना, का छोटा मोटा यूट्यूब पे वीडियो बनाएगा, कुछ बड़ा करो और बिजनेस टाइकून बनो। अरे भाई ये बिजनेस टाइकून क्या होता है? अरे बिजनेस टाइकून नहीं जानता है, टाटा बिरला अंबानी टाइप से। भाई अपने बैकग्राउंड के बारे में पहले तुमने कुछ बताया नहीं, तुम इतना अमीर है। मुझे नहीं पता चला भाई। तू रो क्यों रहा है भाई? साला मेरा बाप मुझसे भैंसे नहलवाना चाहता है, कहता है ढूंढने से तो भगवान भी मिलते हैं, तो क्या रगड़ने से भैंसे गोरी नहीं हो सकती? तो अब बता, मैं रो नहीं तो क्या हंसू? अच्छा ये सब छोड़, अब ये बता कि हमने शुरू कहाँ से किया था? अभी हम लोग शुरू कहाँ किए? अरे वो सब जो तुमने ख्वाब दिखाया था वो सब शुरू कहाँ से किया? अब ये सब छोड़ो, अब इस सब का क्या मतलब बनता है?